कोटा में आज पंचायत चुनाव में जिला प्रमुख और 5 प्रधानों की किस्मत का फैसला हुआ। बहुमत के हिसाब से बीजेपी का ही जिला प्रमुख बनना तय था और हुआ भी यही। कांग्रेस की ओर से जोड़तोड़ नहीं हुई और कांग्रेस की प्रत्याशी गीता मेघवाल को उतने ही वोट मिले जितने उनके सदस्य जीत कर आए थे। ऐसे में बीजेपी के सभी 13 सदस्यों ने अपना जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल को चुना। आज दिन भर जिला परिषद में गहमागहमी रही। बीजेपी ने प्रत्याशी मुकेश मेघवाल की जगह पहले मुकेश वर्मा का नाम जिला प्रमुख के लिए घोषित किया था, लेकिन नामांकन से ठीक पहले प्रत्याशी का नाम चेंज हुआ और मुकेश मेघवाल को प्रत्याशी बनाया गया। ऐसे में मुकेश मेघवाल कोटा के नए जिला प्रमुख बन गए। बात करें 5 पंचायत समितियों में बने प्रधानों की, तो यहां बहुमत के हिसाब से 2 पंचायतों में कांग्रेस के प्रधान बनने थे, लेकिन सिर्फ एक ही जगह कांग्रेस का प्रधान बन पाया। इटावा में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। यहां कांग्रेस के 8 सदस्यों में से 1 सदस्य ने क्रॉस वोटिंग की तो चुनाव टाई हो गया। कांग्रेस से 1 वोट निर्दलीय के खाते में गया। ऐसे में टाई हुए चुनाव में लॉटरी के जरिए प्रधान का फैसला हुआ। कांग्रेस के हाथ से प्रधान निकलकर बीजेपी के पास चला गया। यहां कांग्रेस के हजारी लाल हारे और बीजेपी के रिंकू मीणा प्रधान बने। उधर लाड़पुरा पंचायत समिति में कांग्रेस के नईमुद्दीन गुड्डू चुनाव जीतकर प्रधान बने। सुल्तानपुर में बीजेपी की कृष्णा शर्मा प्रधान बनी। उन्होंने कांग्रेस की कमलेश यादव को हराया। यहां लंबे वक्त बाद महिला के हाथ में प्रधान की कमान आई है। वहीं खेराबाद पंचायत समिति में बीजेपी की ही कलावती मेघवाल प्रधान बनी। उन्होंने कांग्रेस की अनीता वर्मा को हराया। सांगोद की बात करें तो यहां बीजेपी के जयवीर सिंह ने कुशल पाल सिंह को शिकस्त दी और जयवीर सिंह प्रधान बने। प्रधान और जिला प्रमुख के इस चुनाव में खास बात यह निकल कर आई कि इटावा में कांग्रेस को बहुमत होने के बाद भी प्रधान होना पड़ा। इटावा में चुनाव की शुरुआत से ही कांग्रेस विधायक और कांग्रेस देहात अध्यक्ष के बीच खींचतान चलती रही। देहात अध्यक्ष सरोज मीणा ने अपने पद से इस्तीफा तक दे डाला। वहीं जिला प्रमुख के चुनाव में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने रुचि नहीं ली और जोड़तोड़ की गणित से दूरी बनाए रखी। ऐसे में बहुमत के हिसाब से बीजेपी ने अपना जिला प्रमुख बना लिया। रहेगी आपकी आगे प्राथमिकता ये रहेगी पंचायत राज में क्या बताओ ना। पंचायत राज जो भी जनता से वादा किया था आपका नाम सुना है तो कुछ आपने सोचा होगा आगे चल के मुझे क्या कार्य करना है। वो तो विकास करवाना है, गांव गांव गए थे वहाँ पर जो भी परेशानी थी उसको वही करेंगे। पूरे जिले में माहौल कुछ और चल रहा था, किसी और को नहीं। गलत बात है, गलत बात है, बिल्कुल। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें कोटाखबर.com पर, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।